ये रहा हमारा 30 days 30 vlog कंप्लीट हो गया है। व्हाट इट्स मी अनुराग, यू वॉच अनदर व्लॉग। तो गाइस आज का प्लान है हमारा एक पार्क में जाने का। तो उससे पहले गुड न्यूज है, बहुत अच्छी गुड न्यूज है। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने लास्ट में बोला था, हमारे 30 days कंप्लीट हो गए बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे से और अच्छे खासे सपोर्ट से पूरे हुए हैं। तो गाइस मतलब कहने के लिए अभी लव्स नहीं है, बट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं, वो भी सेलिब्रेट करेंगे और चलते हैं। मैं भी आपको अभी देखो उमरगाँव में जितना मेरे आसपास की चीज़ें ना, एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, इतना मैं ट्राई कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम मिलता है एडजस्ट करता हूँ, मैं निकलता हूँ, वरना तो ऐसा घर में अभी जस्ट सोया था, फिर उठ गया। सुबह को व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज देखो क्या है ना, चिकू को लेके जाना पड़ रहा है सुबह, फिर आके मैं वापस हो जा रहा हूँ, क्योंकि लेट नाइट तक आप लोगों को पता है एडिटिंग अपलोड करने में तो बहुत टाइम लग रहा है। तो कोई नहीं, चलते हैं, अब रेडी होते हैं। रेडी हो गया हूँ और अब निकलते हैं, अपन कुछ पी के निकलते हैं, क्योंकि पानी या जो भी होगा फिर भी पी के निकलते हैं, एकदम चिल वाटर और पीते निकलते, क्योंकि घर धूप भी बाहर है और फिर इधर उधर का पानी पीने को जमता नहीं। ये रही हमारी इलेक्ट्रिक जो कि फुल चार्ज हो गई है, तो लेके निकलते। गाइस दिव्य भी आ चुका है और ये रहा गार्डन, अब चलते हैं अंदर। बाकी क्या व्यू आ रही है इधर से भी ना, धूप थोड़ी ज्यादा है पर व्यू मस्त है। चलिए गाइस अभी हम लोग गार्डन से निकल रहे हैं, काफी अच्छा लगा इधर आके। बाकी तो देखो कुछ एक्सप्लोर करने लायक नहीं है, जितना था कर दिया। बाकी शांति वाली जगह है, लोग भी कम हैं और अच्छा लगा इधर आके। मैं गाइस इधर ना, मैं इधर रहता हूँ लेकिन इधर मैं ये गार्डन में बहुत कम, समझ लो ये पहली या दूसरी बार याद है मुझे अच्छे से, मैं दूसरी बार आया हूँ गार्डन में। लोग गार्डन के बाहर आ गए और अभी चलते हैं कुछ खाने। आज तो शाम को सबके साथ मतलब मम्मी पापा आदि सबके साथ सेलिब्रेट करना है। आप लोगों को भी बताऊँगा क्या चीज़ सेलिब्रेट है। जोशा आ गया है ये रात दिव्य का, और अब इसको फिनिश करते हैं और निकलते हैं फटाफट। अरे ओए नेट के तरफ लगा। गाइस फाइनली दिव्या ने पानी निकाल लिया। हाँ डोसा वोसा कंप्लीट कर दिया है और अब निकलते घर के लिए। निकल रहे थे पर एक भुक्कड़ को और ज़्यादा भूख लग गई है। देखो कितना खाएगा, अजीब जानवर है, कितने भी खा ले भूखा ही रहता है। बात बताता हूँ, हम लोग आए मेन्यू करने, तो ये भाई मंचूरियन मांग रहा था, क्या देख के पता है वो देखो, जैसे कि आप लोग वो छोले देख सकते हो पूड़ी के पास, वो ये मंचूरियन। गाइस मैं घर पे आ गया, घर पे आके देख रहा हूँ तो पावर नहीं है। रुको आप लोगों को देखो, ये देखो घर में पावर ही नहीं है, तो इसलिए मैं लॉबी में आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी निकलते केक लाने, क्योंकि सेलिब्रेट तो करना है। गाइस मैं नीचे आ गया और नीचे आके मैंने गणपति पापा का चूत भी जला दिया, तो अभी निकलते केक लेने, चलते लेके आते फटाफट। गाइस हम लोग आ गए हैं केक शॉप, बाकी लाइट नहीं है पूरे एरिया में, और आदेश भी आ गया, चिकू भी आ गया केक लेना है। गाइस ये रे केक का, अभी इसमें से डिसाइड कर रहे हैं हम लोग कौन सा ले कौन सा नहीं। तो फाइनली गाइस फाइनली हमने केक ले लिया है और अब निकलते हैं घर के लिए। बाकी ये बहुत परेशान कर रहा है, देखो देखो देख लो। गाइस हम लोग घर पहुंच गए और लाइट भी आ गई है, तो केक भी आ गया है। अब पापा का वेट है, क्योंकि देखो केक काटेंगे तो अब सबके साथ काटेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है आज का मेरे लिए, बहुत बड़ी दिन है। चलो फिर वेट करते फिर। गाइस पापा भी घर पे आ गए, तो अभी चलते केक काटते। जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हो सब हो गया, और मैं आपको केक का व्यू दिखा क्या लिखवा क्या है मैं। ये देखो मैंने लिखवाया है 30 days 30 vlog, जो कि मेरे कंप्लीट हो चुके। ये रहा हमारा 30 days 30 vlog कंप्लीट हो गया है। हैप्पी 30 days और 30 vlog। ये देखो गाइस।
किया, ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए खाली होगी। दे मम्मी पापा से पूछते मतलब कैसा लगा 30 डेज, और बहुत मतलब इतना अच्छा रिस्पांस आया ना, तो इसलिए तो देखो बोलो मम्मी बहुत लंबा सफर है मेरे बच्चे का, आप लोग के सपोर्ट के बिना नहीं कर सकते वो, जैसे अभी तक साथ दिया आप लोगों ने आगे भी दीजिएगा, आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे बच्चे के लिए बहुत सक्सेस है गाइस। मतलब मैं अभी इस पे डेली रहने वाला हूँ, ये डेली व्लॉग अब कंटिन्यू रहेगा, जितना हो सकेगा मैं उतना ट्राई करूंगा एंटरटेनमेंट करने का। तो दिल से शुक्रिया पूरे फैमिली की तरफ से, मेरे दोस्त, मेरी टीम को भी गाइस, बहुत बड़ी बात है कि मैंने 30 डेज नॉन स्टॉप किया है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। गाइस खाना पीना हो गया, मम्मी पापा भी चलेगा सोने, मैं भी जा रहा हूँ वीडियो एडिट करने। ये एक महीने में हमारे पास बहुत कुछ आया, और गया तो उतना कुछ नहीं बहुत, लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ, जैसे गाड़ी वाड़ी टूटी, घर ही टूटा, लेकिन कोई नहीं, एक महीने में बहुत चीज़ देखा, अभी आगे भी देखना है। ये भी आ गया एक महीने में, काट लिया गलत। चलो फिर ये वीडियो को मैं इधर ही एंड करता हूँ, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिल रहा हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। गलत काट दिया यार, देखो बहुत गलत काट दिया।